नमस्कार साथियों, रेलवे ने आप लोगों के लिए एनटीपीसी की वैकेंसी की सूचना जारी कर दी है। आप लोगों के लिए रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी आई है आप लोगों का, इसमें ग्रेजुएशन लेवल पर और प्लस टू लेवल पर, दोनों लेवल पर वैकेंसी आई है। तो आप लोगों को इसमें भाग लेना है। जो ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी है उसमें 8113 वैकेंसी है, और प्लस टू लेवल पर जो वैकेंसी है वो 3445 वैकेंसी है। देखिए, इसमें जो लेवल सिक्स और लेवल फाइव का जो जॉब होता है, जिसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होता है लेवल सिक्स का, स्टेशन मास्टर भी होता है लेवल सिक्स का, ये दोनों लेवल सिक्स का जॉब है। इसके बाद लेवल फाइव का जो जॉब होता है, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसे गुड्स गार्ड पहले कहा जाता था, अब नाम बदल दिया गया है। वो ट्रेनों के पीछे आप लोग देखते होंगे ना, जो उजर का कपड़ा पहन के झंडी दिखाता है। इसके बाद आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, ये तीन डिपार्टमेंट, ये जो तीन वैकेंसियां हैं लेवल पांच में आती है। और इसकी एज जो लिमिट है वो भी आप लोग के लिए बढ़ा दी गई है। नॉर्मल एज जो होगा वो 18 से 36 साल तक का होता है भाई साहब। और साथ ही साथ आपका प्लस टू लेवल पे लेवल तीन और लेवल दो की वैकेंसी आई है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आया है, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आया है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, इतनी वैकेंसी प्लस टू लेवल पे। हालांकि जो लोग ग्रेजुएट हैं वो प्लस टू वाले और ग्रेजुएशन दोनों सीट भर सकते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये नहीं, आपको जितना पे आप लोग टिक करिएगा ना उतना। एग्जाम पास करने के लिए आप कौटिल्य जीएस परिवार के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ेंगे, हम आपकी कंप्लीट मदद करने वाले हैं। बहुत जल्दी बैच की घोषणा करेंगे। इसके प्री में 100 क्वेश्चन रहता है, 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 30 जीएस, 10 करेंट, और मेंस में 120 क्वेश्चन रहता है, 35 रीजनिंग, 35 मैथ, और उसके बाद जीके जीएस की संख्या बढ़ के हो जाती है 50। मेरे भाई, सीबीटी वन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद मेंस होता है, इसके बाद ये जो है स्टेशन मास्टर, इसके लिए आप लोग का साइको होगा। साइको की तैयारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। कौटिल्य जीएस परिवार के बच्चों, जो भी बच्चे होंगे उनको आप जल्द से जल्द हमारे टीम के द्वारा आपको बैच के बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन कब से होगी? तो 14 सितंबर से। कब से? 14 सितंबर से। 14 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। तो मेरे भाई, आशा करते हैं कि आपको जानकारी मिल गई होगी। बहुत जल्दी हम आपको एक और डिटेल वीडियो बना करके जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।